हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी टमाटर भिंडी। चटपटी टमाटर भिंडी बनाना एकदम आसान है और ये झटपट तैयार हो जाती है। टमाटर भिंडी बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी ली है और इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। अब भिंडी को हम 1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। भिंडी का मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज, 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। गैस पर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें जीरा डाल के भूनेंगे और फिर प्याज डालकर प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज भुनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। मसालों को बिना पानी के अच्छे से भून लेना है। मसाला भुनने के बाद इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद भिंडी को ढककर 2 फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम भिंडी में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। भिंडी को 3-4 मिनट बाद चलाइए और ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है। पकने के बाद हम उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और टमाटर गलने तक सब्जी को पकाइए। सब्जी में टमाटर एकदम पक चुके हैं और अब चटपटी टमाटर भिंडी एकदम तैयार है। टमाटर भिंडी को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये दाल, चावल और रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चटपटी टमाटर भिंडी एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.